Alright, hello guys. Can you hear me? आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या? Everybody present. I mean जितने लोग भी हैं. That's great. मस्त आवाज आ रही है. ठीक है. So I mean कोई मुझे याद दिलाएगा व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. या मे बी लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया प्रोबेबली. आरडीएस, ठीक है. तो आपको आरडीएस के बारे में आइडिया लग गया, हाउ टू लाइक क्रिएट दोज इंस्टेंसेस. एंड आई होप आपने शायद किसी एप्लीकेशन से आरडीएस के बारे में आइडिया नहीं लगा. क्यों? आनंद यू इज नॉट देयर इज इट? सो आई थिंक मैंने अमेजोन सोशन ये शायद है आरडीएस का जो हमने लास्ट टाइम किया था. जो भी होगा आई मीन आई बिलीव वीएलसी मीडिया प्लेयर है यार. यस तो कोई नहीं, टेस्ट पे. सो टेक बेसिक पेज जिसका नाम index.php है इसको. ऑलराइट, तो ये अपाचे वेब सर्वर, ठीक है. तो आरडीएस हमने कर दिया था राइट? आनंद कह रहा है नहीं, तो क्या था इसका पॉइंट? डेटाबेस कनेक्ट किया था, माई सिक्वल डेटाबेस को कनेक्ट किया था. हाँ ठीक है, दैट्स गुड ना. ठीक है, ठीक. ऑलराइट. तो हमने वो कनेक्ट कर दिया था उसका रीज़न, ठीक है. ऑलराइट, तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. सो ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेट मी स्टार्ट विद Amazon. स्क्रीन शेयर हो गई राइट? नहीं हुई? हो गई ना स्क्रीन शेयर? तो ठीक है. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे? स्टार्ट स्क्रीन एंटायर वन एंड शेयर. आप चेक करो, आने चाहिए थे पहले भी. आई मीन देर इज नो, अब बंद हो गई, वापस आ गई, फिर से आ गई. आ गई क्या? गुड. तुषार वेट फॉर एट राइट, आ जाएगी. इट्स नॉट अ बिग डील. स्क्रीन तो क्या ही है, स्क्रीन तो आ ही जाएगी. ठीक है. सो ऑल सेट. तो चलो आज हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की. सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू वर्क विद अमेज़न ऑब्जेक्ट स्टोरेज राइट, दैट इज S3, जिसको हम लोग सिंपल स्टोरेज सर्विस के नाम से जानते हैं राइट. सिंपल स्टोरेज सर्विस. नाउ द पॉइंट इज कि एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने फेसबुक पे जाके क्वेश्चंस के आंसर देखते हो या फिर आंसर किया है थोड़ा बहुत?
डोंट थिंक सो, ज़्यादा कुछ तो लोगों ने किया नहीं होगा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो सीरियसली, किसी एक सीरियस नोट पे आके सारे क्वेश्चंस को रोज़ देखो यार। देखो, इस वाले पोस्ट में डोंट नो कौन सा वाला है, इसमें किसी एक ने आंसर किया है, तो आप किसने जहाँ भी आंसर किया होगा राइट, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आपको किसी कॉन्टेक्स्ट में पीछे रहना ही नहीं चाहिए। ये देखो, किसने GFS, तो ये जो रिसेंट क्वेश्चन था, मोस्ट एफिशिएंट प्रोटोकॉल फॉर डेटा रिसोर्सेस एंड समथिंग, तो ये आप इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को। ऑलराइट, तो ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट है अमेज़ॉन का, जहाँ पे जब आप अमेज़ॉन का फ्री अकाउंट बनाओगे, सो यू हैव फ्री 5 GB डेटा स्टोरेज फॉर 1 ईयर, राइट? 5 GB फ्री है, एंड आज के डेट में अमेज़ॉन एस थ्री एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज को स्टोर करता है। दैट मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर योर फाइल्स और मूवीज, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे डेटा शेयरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक मशीन से दूसरे मशीन पे अगर आपको 5 TB तक का डेटा शेयर करना है, तो इस केस में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है राइट। आप जी ड्राइव से इतना बड़ा डेटा शेयर नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसा स्टोरेज जो 5 TB तक सपोर्ट करता हो। तो सबसे अच्छी बात है अमेज़ॉन S3 की, बाई यूजिंग अमेज़ॉन S3 यू कैन अपलोड डेटा अप टू 5 TB, और ये दूसरे सिस्टम पे शेयर कर दो या उनको दे दो, वो डाउनलोड करके दे कैन यूज़ एज पर योर देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट S3 राइट, व्हिच आई एम गोइंग टू राइट। द फर्स्ट वन, दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। द सेकेंड पॉइंट, अप टू 5 TB, सॉरी, यू कैन अपलोड डेटा राइट। द थर्ड वन, ये कोई पूछेगा क्वेश्चन तब तो मैं आंसर दूंगा, कोई इतना आंसर देता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँ आंसर्स राइट। ठीक है, द फोर्थ वन, इट्स हाईली अवेलेबल, राइट? फोर्थ वन इज कैन गिव यू इंक्रिप्शन ऑन डेटा। नंबर फाइव, दैट इज यू कैन होस्ट स्टैटिक पेजेस, वेब पेजेस, राइट? एंड देन नेक्स्ट वन इज यू कैन स्टोर लॉग्स हेयर, नेक्स्ट पॉइंट, एंड लेट मी मेक इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो कैन गिव यू बैकअप, कैन प्लान फॉर बैकअप इफ डेटा इज डिलीटेड। एट यूज केस, यू कैन स्टोर योर, यू कैन स्टोर योर डेटा, योर वेबसाइट डेटा हियर। सो जस्ट गो थ्रू दैट, ऑल दिस पॉइंट्स, गो थ्रू विद ऑल दिस पॉइंट्स एंड लेट मी नो इसमें से कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है,
सो जस्ट गो थ्रू विद पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा, सो गिव मी दैट. राइट, सब कुछ आ रहा है तो फटाफट उसका भी आंसर करो. यस, यू नो एवरीथिंग. तो आप में जितने भी लोग हैं, खासकर सीरियस लोग, सो समबडी रिप्लाइड विद थर्ड. ओके, थर्ड एंड सिक्स, फोर एंड फाइव एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड वन फर्स्ट. राइट, सी इफ आई कम टू द पॉइंट हाउ एस थ्री इज मैनेजिंग एवरीथिंग व्हेन यू आर गोइंग टू अपलोड सम डेटा. सो एस थ्री इज आस्किंग टू क्रिएट सम फोल्डर. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये एक फोल्डर बना दिया जिस पे आप अपना डेटा अपलोड करोगे. अब ये फोल्डर बना कैसे है, तो बैकएंड में एस थ्री की जो सर्विस है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. राइट, दीज आर फिजिकल सिस्टम, लाइक सिस्टम 1, 2, 3 एंड 4. फ्रॉम ईच एंड एवरी मशीन वी आर पिकिंग अप सम हार्ड डिस्क. राइट, एंड वी हैव क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट एस थ्री. वेन आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस डायरेक्टरी ऑन माई एस थ्री, सो इट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ऑन मशीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सो जब भी आप डेटा अपलोड करोगे इस फोल्डर पे, तो ये डेटा इन सारे सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट और रेप्लिकेट हो जाएगा. दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट एंड रेप्लिकेट. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी सिस्टम या दो चार सिस्टम बंद भी हो जाते हैं, तब भी एज अ क्लाइंट यू विल बी एबल टू एक्सेस योर डेटा. इसको बोलते हैं आपका डेटा हाईली अवेलेबल है. ठीक है, डेटा हाईली अवेलेबल है. दैट सिंपली मीन्स आपका जो S3 का प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स को मिला के ऐसा स्टोरेज लिया गया है, ताकि दो चार मशीन या 10-20 मशीन के बंद होने पे आपका डेटा इनएक्सेसिबल ना रहे. सो ज़रकाब या बाकी जिसने भी, यस द ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट एज हडूप. ठीक है, तो काफ़ी लोग S3 को हडूप से भी इंटीग्रेट करके रिलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4 एंड 5. फोर कैन गिव यू इनक्रिप्शन. दैट सिंपली मीन्स कि जो डेटा आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, राइट, उसको आप चाहो तो किसी पासवर्ड या एल्गोरिदम से डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपने कोई मूवी या कोई टेक्स्ट फाइल, कोई एक्सेल फाइल अपलोड की, एंड यू वॉन्ट टू इनक्रिप्ट दैट डेटा सो दैट नो बडी कैन गिव कैन व्यू दैट डेटा विदाउट योर परमिशन और विदाउट नोइंग दैट पासवर्ड. सो उसको डेटा इंक्रिप्शन. तो जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो उसको इंक्रिप्शन भी वहाँ जाके लगा सकते हो. ठीक है, पोर्ट नंबर 4 इज ऑल्सो गुड फॉर एवरी वन. इंक्रिप्शन इज बेटर. एंड पॉइंट नंबर 5, स्टैटिक वेब पेज होस्टिंग. ये बहुत सिंपल है. सिंपली ऐसे मान लो कि यू वर्क विद वेब सर्वर. राइट, हमने इस सेशन में वेब सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है. टू होस्ट एनी HTML और JavaScript बेस्ड पेज वी नीड वेब सर्वर. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अपाचे है, IIS है, ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट दैट इज S3, जो कि एक स्टोरेज सर्विस है, या बात करो गूगल ड्राइव की, या बात करो ड्रॉप बॉक्स की, ऑल दिस सर्विस आर स्टोरेज सर्विस, जो स्टोरेज आपको देती हैं. बट आउट ऑफ दीज सर्विसेस ओनली S3 हैव दैट कैपेबिलिटी कि आपने जो वेबसाइट बनाई है, इसको अगर आप S3 पे अपलोड करोगे, वो HTML JavaScript से स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, तो ये वेबसाइट एक टाइप से होस्ट हो जाएगी. सो दैट सिंपली मीन्स S3 इज़
giving you an extra option of some web server, right? तो जो आप data actually upload करते हो उसको आप चाहो तो वो डेटा एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर वो HTML के जैसे पेजेज हैं, और ये ऑप्शन S3 के पास सपोर्ट है, वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा फीचर, बट यू कैन अप्लाई फॉर दैट, बट मेक श्योर द डेटा मस्ट बी स्टैटिक, राइट? स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट यहाँ पे नहीं होगी, राइट? अब आप में से किसी को ऐसा तो कन्फ्यूजन नहीं है कि लाइक इज देयर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, नहीं नहीं एक्चुअली यू कैन नॉट से कि यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो अपाचे है, मैं तो एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे वेब सर्वर का नाम पता नहीं है कौन सा है, वो डिस्क्लोज भी नहीं करते, बट ये S3 बकेट किसी वेब सर्वर के जैसे एक्ट कर सकती है, कैन एक्ट लाइक वेब सर्वर, सो आप स्टैटिक वेबसाइट जो भी डाल दोगे उससे काम चल जाएगा, राइट? अपाचे वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? सो ये अपना पॉइंट भी क्लियर हो गया, 5 बाकी सारे, लास्ट वाला यू कैन स्टोर योर वेब डेटा, पॉइंट नंबर लास्ट किसको बताना है, आई मीन इफ एनीबडी वांट, किसने पूछा था यार लास्ट, साक्षी, ये वेब सर्वर के जैसे एक्ट कर सकता है, ओके, सी इफ आई आस्क यू, यू हैव वन वेब पेज, राइट? यू हैव वन वेब पेज एंड दैट वेब पेज यू आर गोइंग टू अपलोड इन गूगल ड्राइव, राइट? ठीक है, इन गूगल ड्राइव, राइट? अब जब गूगल ड्राइव में आपने ये index.html अपलोड कर दिया तो इस वाले पेज को आप किसी और को दोगे तो वो इस पेज को का डेटा तो देख लेगा पर इसका इसकी वेबसाइट नहीं देख पाएगा, मतलब ये वेबसाइट शेयरेबल नहीं है, ठीक है? मतलब कि जब वेब पेज अपलोड किया तो कोई डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है, पर ये ऐसे वेबसाइट नहीं दिखेगी, राइट? जबकि S3 क्या करता है, इस पेज को अपलोड करते ही वो एक URL बना देगा और वो URL कोई खोलेगा तो उसको उसके बदले में ऐसा लगेगा कि किसी ने कोई वेबसाइट दे दी है, तो जी ड्राइव वेबसाइट नहीं खुलवा सकता, इसमें डेटा उस फॉर्म में नहीं जाता, S3 बकेट में जब डेटा अपलोड करोगे अगर आप चाहो तो उसमें वेब सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? नूपुर इस ऑलराइट, ठीक है, तो एक दो पॉइंट और हैं अबाउट S3 बकेट, दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट S3 इट इज ऑलवेज अबाउट बकेट, राइट? सो बकेट का मतलब होता है एक फोल्डर, तो जब भी आपको S3 में कुछ भी डेटा अपलोड करना है यू फर्स्ट क्रिएट दैट बकेट जो फोल्डर है और इस बकेट के कॉन्टेक्स्ट में या रेस्पेक्ट में आप डेटा अपलोड करना शुरू करो। नाउ अबाउट बकेट, बकेट नेम मस्ट बी DNS कॉम्प्लाइंट, राइट? दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक नाम की एक ही बकेट बन सकती है, चाहे कोई भी बना दे, राइट? तो जब आप बकेट बनाओगे, बकेट इज नथिंग, इट्स सिंपली अ फोल्डर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो बकेट बनानी पड़ेगी वो DNS कॉम्प्लाइंट, DNS कॉम्प्लाइंट मतलब जैसे कि दुनिया में google.com डोमेन एक और नहीं हो सकता, राइट?
वैसे जो बकेट आप बना दोगे, बकेट मीन्स S3 में फोल्डर को हम बकेट बोलते हैं, दैट बकेट नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एनी वन एल्स। सो ये पॉइंट हो मैं, दैट बकेट नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एनी वन एल्स, राइट। सो अगर आपने कुछ बकेट बना दिया है तो वो बकेट पूरे दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। सो लेट्स गो टू दैट S3 प्रोडक्ट, राइट। और मैं S3 में जाके, ठीक है, एक और चीज़ देखो कि जो S3 प्रोडक्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट रीजन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जैसे आपने S3 पे क्लिक किया, सी रीजन क्या हो गया, ग्लोबल, तो जो अभी आप बकेट बनाओगे वो वर्ल्ड वाइड बनेगी। इसमें ऐसा नहीं कि ये किसी रीजन में बनती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज S3 बकेट बनती है ग्लोबल। देखो अगर मैं स्विच करूँ किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जिसको हमने पहले से देखा हो, सो इन दैट केस द रीज़न इज़ मुंबई या जो भी आप यूज़ करोगे, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्विच इन S3, सो रीज़न ऑटोमेटिक ग्लोबल हो गया, बाकी सारे हो गए ये। तो यहाँ पे लिखा है S3 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन। तो ये जब आप बनाओगे तो उसी टाइम पे इसको ग्लोबल, मतलब कि वो कहीं से भी एक्सेस हो सकती नहीं। ग्लोबल मतलब ये है कि एक बकेट जो आप बनाओगे वो बकेट सेम नाम से पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं बना सकता। एक पॉइंट तो ये, दूसरा कि अमेज़न ने S3 प्रोडक्ट के साथ स्टार्टिंग में कोई रीज़न नहीं दिया। जब आप बकेट बनाओ उस टाइम आप डिसाइड कर दो कि आप बकेट को कहाँ बनाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट EC2, तो EC2 में पहले से आपको रीज़न चूज़ करना पड़ता है कि हमें यहाँ काम करना है, बट S3 बकेट में ऐसा ये ऑप्शन नहीं है। जब आप क्रिएट कर रहे हो उस टाइम आप बता दो कि आपका ये बकेट किस रीज़न में आएगा। हालांकि रीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो जो बकेट मिलेगी वो वर्ल्ड वाइड मिलेगी, ग्लोबल, ठीक है। तो ग्लोबल मतलब एक तो वर्ल्ड वाइड, दूसरा कि आप क्रिएशन टाइम पे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो सी इफ नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बकेट, राइट, यहाँ पे देखा है एंटर डीएनएस कॉम्प्लेंट नेम। सो डीनेस कॉम्प्लाइंट नेम का मतलब है जो भी नाम आप डालोगे वो नाम पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया लेट्स से एड हॉक, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो कोई एक रीजन चूज़ कर सकते हो कि आपको किस रीजन में ये बकेट चाहिए इफ़ यू वांट, अदरवाइज जो भी बाय डिफॉल्ट रहेगा वहीं पर आ जाएगा। एंड ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे करता हूँ क्रिएट, जिसने बता दिया दिस बकेट नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं करता हूँ एड हॉक लिनक्स फिर क्रिएट, तो ये बकेट बन गई, राइट। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिस बकेट इज नॉट पब्लिक, दैट मीन्स इसमें डेटा जो अपलोड करेगा कोई भी तो वो इजली, मतलब इसको पब्लिकली व्यू नहीं कर सकता। तो डेटा जो भी बकेट है वो पब्लिक नहीं है एक्चुअली। After deletion is the bucket name again available? Yes. If you delete some bucket from S3, so it will be available for everyone. जो नाम आपने दिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके बकेट की प्रॉपर्टी में, ये देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बकेट में हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिए जो काम आ सकती है वो ये हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंक्रिप्शन लगाना, ऑब्जेक्ट लॉगिंग करना, ये सारे काम आप यहाँ पे आके कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जनिंग, सर्वर एक्सेस लॉग, स्टैटिक वेबसाइट, ऑब्जेक्ट लेवल डिफॉल्टिंग, टैग्स, ये कुछ भी सब कुछ डिसेबल है, ठीक है। इसमें से देखो जो आपके काम के हैं ऑप्शंस, लेट्स से वर्जनिंग, वर्जनिंग मीन्स इफ़ यू एक्टिवेट दिस फीचर, राइट, तो मैं आपको S3 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूँ। S3 बकेट
properties, right? And the first one is worsening. कोई बता सकता है इसका मतलब आपके हिसाब से क्या होने वाला होगा? आई मीन व्हाट अबाउट, आई मीन सी इन S3 बकेट क्या क्या होता होगा वर्जनिंग? इफ एनी बडी वाना से समथिंग, वर्जनिंग 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 cannot create its copies in version. Explain your point, Sakshi. Cannot create its copies in version. मतलब ये ऐसे समझ में कैसे नहीं आया? Multiple version of data may be like GitHub. All right. ठीक है, देखो इसके दो मतलब हैं. निखिल ने थोड़ा सा किया है, बट साक्ष्य सिक्योरिटी में नहीं, सिक्योरिटी नहीं. देखो वर्जनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉट यू हैव डन, आपने एक फाइल अपलोड की a.txt और उसमें कुछ ये 3-4 लाइंस का डेटा है, राइट? नाउ अब आपने क्या किया, इसी फाइल में आपने 5 लाइंस ऑफ डेटा और ऐड कर दिया, ये तो था ही, ये और डेटा. नाउ आफ्टर सम टाइम इफ यू वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली जब हमने पहली बार डेटा डाला था a.txt में तो कितना था, राइट? इफ समबडी डिलीटेड दो दैट डेटा, तो क्या होता है कि जैसे कोई डेटा डिलीट करेगा तो वो ये ऊपर और डिलीट हो जाएगा. S3 बकेट का वर्जनिंग सिस्टम इसकी एक कॉपी बना के रख देगा, राइट? तो इसका बैकअप भी हो गया और डेटा का लेवल बाय लेवल मैनेजमेंट भी हो गया. दिस इज करेक्ट, ठीक है, जहाँ से आप डेटा रिस्टोर भी कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा अपलोड किया तो इसको हम बोलते हैं वर्जन 1. डेटा में कुछ चेंजेस किए और भी अपलोड किया तो वर्जन 2, ठीक है? तो इसकी वर्जनिंग करता रहेगा. अब किसी ने ओरिजिनल डेटा डिलीट कर दिया बकेट से तो आप जाके यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो या फिर प्रीवियस डेटा भी देख सकते हो. इज दैट गुड? सो वर्जनिंग का मतलब समझ में आ गया. ये जनरली इंटरव्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो टू दिस एंड इनेबल दैट वर्जनिंग फीचर. सो मैंने इनेबल वर्जनिंग पे करके सेव कर दिया, सॉर्ट ऑफ गिटहब बिल्कुल, ठीक है? सो वर्जनिंग इज डन. सर्वर एक्सेस लॉग जो आपको मतलब नहीं है, पर इसका मतलब यह है कि इफ यू नो अबाउट लॉग्स तो S3 बकेट कैन ऑल्सो स्टोर लॉग्स फ्रॉम सम मशीन. सो अब इसमें बकेट का नाम आप दे दो और किस टाइप से लॉग बनाना है तो इस टाइप से, लेकिन यह भी अपने काम का नहीं है. स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं इनेबल, जिसका मतलब है नॉर्मल टाइप की वेबसाइट को जिनका URL ये होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यूज दिस बकेट टू होस्ट अ वेबसाइट जिसमें जो बेस पेज है वो index.html रहेगा, राइट? और एरर पेज भी आप चाहो तो दे सकते हो HTML, और एरर पेज फॉर एग्जाम्पल error.html, ठीक है? और ये इसका एक URL होगा, राइट? तो मैं इस URL को फिलहाल के लिए कॉपी कर देता हूँ, राइट? और अभी यहाँ लिख के पेस्ट, बट अभी इसको मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको ये करके एंड सेव कर दिया. तो स्टैटिक वेबसाइट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग छोड़ देना है, इनक्रिप्शन भी छोड़ देना है. तो ये हमारी एक नॉर्मल बकेट बन गई जहाँ पे हम डेटा अपलोड कर सकते हैं. नाउ इसको हर कोई एक्सेस कर पाए तो यू नीड टू गो इन परमिशन सेक्शन एंड यू नीड टू मेक इट पब्लिक फॉर एवरीवन. अब पब्लिकली अब क्या परमिशन दे रहे हो, कोई लिस्ट कर पाए, राइट? या फिर कोई बकेट की परमिशन देख सके,
इसके अलावा हमने कोई भी परमिशन नहीं दी, तो इसमें हमने पब्लिक यस कर दिया, राइट। सो बाय एक्सेसिंग दैट पॉइंट, ये हमने इसको भी एक्सेस कर दिया, ठीक है। मैनेजमेंट वी डोंट नीड एज ऑफ नाउ, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की नहीं है, परमिशन पब्लिक हो गई, प्रॉपर्टीज़ भी कर दिया, ओवरव्यू भी कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई एम गोइंग बैक टू दिस, यहाँ पे आ गया पब्लिक टैग। नाउ सी, इफ आई एम क्रिएटिंग वन वेब पेज, राइट, यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और एक और पेज लिख दिया एरर डॉट एच टी एम एल टू पब्लिक रीड एक्सेस। दैट मीन्स कोई भी यूज़र पूरी दुनिया में बिना S3 के यूज़र नेम या बिना Amazon के यूज़र नेम पासवर्ड के वो डेटा देख और डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि मान लो अगर आप जी ड्राइव में डेटा अपलोड करते हो, तो दूसरे इंसान को जी ड्राइव का डेटा एक्सेस करने के लिए अपने गूगल के अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ता है, तब वो जी ड्राइव का डेटा एक्सेस कर पाएगा। बट इन केस ऑफ S3 बकेट, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस URL विदाउट हैविंग Amazon और एनी अदर अकाउंट। Got that point? कुछ मिल पाया नितेश? Great. So now I'm uploading data in my S3 bucket. So मैं यहाँ पे सीधे upload, add file, under Surbhi Modi. अच्छा, सुरभि ये बोल रही कि समझ में नहीं आया, क्या आपने अभी ज्वाइन किया जस्ट, या फिर आप पहले से हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पब्लिक, मेकिंग बकेट पब्लिक? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट यू? कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि किसी बकेट को पब्लिक करने का क्या मतलब है? तो मैं यहाँ भी परमिशन में से ही सर वो तो आ गया था, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो स्टैंडर्ड एंड नेक्स्ट एंड अपलोड, ठीक है। मैत्री, आई बिलीव अभी ज्वाइन किया है आपने शायद, या पहले से हो? वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन द पॉइंट विच वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट, आई मीन S3 बकेट और मेकिंग पब्लिक और वॉट? ठीक है, तो सी नाउ इफ यू हिट दैट URL, तो आपको ये पेज मिल गया हेलो वर्ल्ड। तो इस URL को जो हमने S3 बकेट का बनाया था स्टार्टिंग में, राइट, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इनेबल वेब होस्टिंग में, जहाँ पे ये URL बना, अब इसको आप एक्सेस करके जो भी इसका वेब पेज था, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ और पेज डालता हूँ जैसे b.html, सो वाई वी हैव क्रिएटेड दैट अनदर एरर पेज? तो अगर आपने कोई ऐसा URL हिट किया जो कि है ही नहीं, तो आपको बदले में एरर दिखेगी। सो एरर पेज बनाने का कॉन्सेप्ट ये था सिंपली कि इसको कोई अदर पेज ट्राई करे जानबूझ के एक्सेस, तो उसको एरर दिख जाए उसके रिप्लेसमेंट में, ठीक है। यू गॉट दैट पॉइंट और नॉट?
पब्लिक एक्सेस। यस सॉर्ट ऑफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरे पास एक पेज है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके आई एम पुटिंग दैट आई एम जी टैग हेयर एंड एस आर सी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आई एम गिविंग दैट ए डब्ल्यू एस एंड सिबल डॉट जे पी ई जी, राइट। ये मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे एंड नाउ आई एम अपलोडिंग दैट इमेज ऑल्सो, राइट। सो इनसाइड माई बकेट आई एम अपलोडिंग दैट इमेज दैट इज अंदर पिक्चर सेक्शन आई बिलीव, नहीं, AWS Ansible डॉट दिस, गोइंग नेक्स्ट, मेकिंग दिस ऑल्सो पब्लिक एंड देन अपलोड। ठीक है, ये आ गई। नाउ इफ यू हिट दैट यू आर एल द मेन वन, तो अच्छा सॉरी, मैंने दूसरा पेज तो अपलोड किया ही नहीं, तो लेट मी अपलोड दैट इंडेक्स पेज एज वेल। सो अदर लोकेशन पे जाके यहाँ पे अंडर टी एम पी सेक्शन आई एम अपलोडिंग दैट इंडेक्स पेज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अपलोड। सो इफ आई रिफ्रेश हियर तो ये इंडेक्स पेज आ गया नया आई बिलीव, और सी। ठीक है, ऐसे मान तो वर्जन मैं हाइड कर देता हूँ। सो देखो, सिंपल सा पॉइंट है, आप नॉर्मल डेटा रखना चाहते हो तो नॉर्मल डेटा रख दो, अदरवाइज ये यहाँ पे सब फोल्डर्स बना के यहाँ पे एक्सेस कर दो एंड सेव। इफ यू शो दैट वर्जन तो ये सब बताएगा कि आपने कितनी फाइल अपलोड की, इसमें क्या क्या चेंजेस किए, मॉडिफाई किए। अगर वो चाहिए भी तो आप इसको प्रीवियस या लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके लेके जा सकते हो, राइट। सो अगर हाइड कर दिया तो जो हमने फाइनल कर, तो सो शो वर्जन करने पे अगर मैं जाऊँ इसका सबसे लास्ट में, राइट, एंड जैसे मैं यहाँ पे इस वाले को जो हमने एरर डॉट या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सबसे पहले हमारे पास फाइल थी ये वाली। सो इफ यू हिट दिस यू कैन ओपन और डाउनलोड। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ओपन, आई थिंक कुछ ब्लॉक होगा अमेजोन पे। ठीक है, तो ये आप इसमें हेलो वर्ड है, बट जो नया वर्जन है रिसेंट वाला, इस वाले पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस पे आएगा दिस, राइट। सो वर्जनिंग क्या करती है, जितना आप डेटा अपलोड करते हो उन सबको एक नए नाम से प्रीवियस वर्जन में स्टोर करती है, एंड हियर यू कैन जस्ट चेक विद दिस। फाइल में चेंजेस करने के बाद, हाँ, फाइल को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो आप डेटा अपलोड करोगे वो नए फाइल के नाम से आएगा, वो तो उसी नाम से अपडेटेड एंड वापस पुरानी फाइल का वर्जन बन जाएगा। सो द ओल्डर फाइल यू कैन चेक हियर फ्रॉम वर्जन विद द टाइम एंड साइज, एंड इफ यू डोंट शो वर्जन तो ये नॉर्मल वही दिखाएगा जो यहाँ पे आया था। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख पा रहा है तो हम इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको S3 बकेट, सो आई वॉन्ट जस्ट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन
whosoever have joined this session और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फटाफट कंफर्म करो दैट आपको इस S3 बकेट में अभी तक मैंने जो पॉइंट बताए, खासकर डेटा या स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग या खासकर मेकिंग बकेट पब्लिक या अपलोडिंग योर डेटा, तो क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? क्वेश्चन यस नो, मतलब कि ये 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे आपको S3 बकेट में जो मैंने बताया वो समझने के लिए? आउट ऑफ 10 हाउ मैनी, कितने मार्क्स, कितने मार्क्स? 10 out of 10, ग्रेट अदर्स। जर का इस 10 out of 10 सोचो कितना शानदार हो गया ना, मतलब खुद ही अपने आप को मार्क्स दिए जा रहे हैं, मस्त। मानसी इज ऑल्सो ग्रेट, मनी सॉरी। बाकी लोग फटाफट आंसर करो। 8, तुषार, तो अपना 8 का जो 2 पॉइंट रह गए वो कहाँ रह गए? लेट मी नो फटाफट। भव्या 9, मैत्रे 6। सो लेट्स फिगर आउट दोज पीपल ड्रॉबैक। सो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 से, और जिसको अपने आप को मार्क्स देना है प्लीज़ फटाफट मार्क्स देके ख़त्म करो, सो दैट आई कैन कंप्लीट द सिनेरियो। ठीक है, जितना मैंने डिस्कस किया मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि आपको मार्क्स देने हैं। बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं? तो इतने जो आई बिलीव शायद कितने लोग होंगे यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं इस सेशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आफ्टर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लोग, 19 में से सिर्फ मेरे को 4-5 लोगों ने, 6 लोगों ने आंसर किया है। सो रेस्ट पीपल आर इन वेयर? नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। 9 नितेश, आई जॉइन द सेशन लेट बट अभी तक सब समझ आ गया। ऑल राइट, ठीक है, तो ऑल गुड। सो आई एम आस्किंग अबाउट द पीपल हु सो एवर, जैसे मैं बात करता हूँ तुषार से, तुषार अपने को कौन सा पॉइंट समझ में आया जो भव्या 9, मैत्रे 6, स्वाति 7? सो जिसको जिसने अपने आपको 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स भी दिया है तो फटाफट वो क्वेश्चन रेज करे, व्हाट इज नितेश इज सेइंग, इसमें अपना पूरा है क्वेश्चन रिजेक्ट ही कर दिया, फेंको फटाफट क्वेश्चन यार, मतलब क्या इतना लेट करना। सो वॉइस इंटरप्शन, दैट ग्रेट मैन, अमेजिंग। मेरे को ये बताओ क्या समझ नहीं आया, वॉइस इंटरप्शन या इंटरनेट स्लो है तो इसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। आई एम आस्किंग whosoever given 8 और लोअर नंबर और मे बी 9 नंबर ऑल्सो आउट ऑफ 10, तो उनका क्या रीज़न है, क्वेश्चन क्या है, मतलब मेरे को वो समझना, वापस बता देना। ओके, भव्य यू आर एल कौन सा कि जो बकेट का यूआरएल बनता है S3 बकेट का? डेटा मॉडिफाई कैसे करते हैं वापस बता दो। ठीक है, वो यूआरएल के समझ नहीं आ रहा मैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या आता है सी द, सो आई एम टेकिंग वन पॉइंट, हाउ अमेज़ॉन इज क्रिएटिंग यूआरएल फॉर यू। ठीक है,
So let's analyze that URL, whatever we have here, right? So for example, if I'm going in index.html, right? Yeah, मैं जाता हूँ S3 bucket के पास, and under this I'm under properties under web static. See, there is a strategy by Amazon. Whenever you are going to create some bucket and you want to host website, so इनका fix है ये URL ऐसे ही बनाएंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल URL बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए ये प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ेगा. देन योर बकेट नेम, राइट, जो भी आपने बकेट बनाई होगी. देन .s3 .website, रेस्ट यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर. डॉट आपका जोन, .amazon.com. सो द कंप्लीट थिंग इज लाइक ad hoc Linux, this was my bucket .s3 hyphen website dot your zone dot amazon aws dot amazon dot com. So इनका ये है, जब भी आप किसी bucket को static website में upload करने के लिए बोलोगे तो उसका एक ऐसा कुछ URL बना देंगे, ये fix है. So everything is going to change in this point, ठीक है, क्योंकि यहाँ change होगा. लेट मी शो यू, राइट, मैं एक और बकेट बना के दिखाता हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन के आंसर देता हूँ फटाफट, और एक में दिखा देता हूँ. सो इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट मोर बकेट, ओके, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है. सो मैं डायरेक्टली ये क्रिएट कर देता हूँ, राइट, मैंने हेलो वर्ल्ड नाम से एक बकेट क्रिएट की. अब मैं यहाँ गया, मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, एंड इफ आई एम गोइंग इन वेबसाइट सेक्शन, सो दिस इज अगेन, सी, हेलो वर्ल्ड हाइफन एवरीथिंग इज सेम, राइट. मतलब इनका एक फिक्स है कि वो इस बिहाफ पे URL बनाएंगे. तो मैं इसको एक बार के लिए अभी डिलीट कर देता हूँ. सो हेलो वर्ल्ड कन्फर्म, ठीक है. तो एंड देन आई हैव वन, सर, विदाउट नोइंग अमेजोन आईडी एंड पासवर्ड कैन बी एक्सेस दैट वेबसाइट? यस, यू कैन टाइप दैट URL, वट एवर हेयर आई हैव. सो ये जो URL है ये वाला, राइट, इस URL को अगर आप टाइप करोगे अपने ब्राउज़र पे तो यू कैन एक्सेस. सी, मैं यहाँ से कॉपी करके मैं दूसरे ब्राउज़र में जाके यहाँ टाइप करता हूँ, राइट, एंटर. सी, एक्सेस हो गई ना, मतलब इस वाले ब्राउज़र में देर इज़ नो यूज़र नेम पासवर्ड, स्टिल वी कैन एक्सेस. एंड व्हाट अबाउट RDS एंड ऑल माई एंड, देखो भव्या, RDS भी एंड पॉइंट वैसा ही देता है जैसे Amazon बकेट का कोई एक URL देता है. तो उनका भी URL फिक्स है कि वो डेटाबेस नेम हाइफन RDS समथिंग करके, राइट. तो वो डेटाबेस के नाम के बिहाफ पे दे आर प्रोवाइडिंग यू दैट RDS. उनका भी ऐसा ही सिंटैक्स है जैसे कि यहाँ का, ठीक है, ऑल गुड. और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क, राइट. सो दिस इज द URL जो मैं, आई डोंट नो मैं आपको कैसे इसको दूं, बट यस, ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है. अब आपको बकेट बनानी है किसी नॉर्मल पर्पस, जहाँ पे यू डोंट वांट टू होस्ट एनी वेबसाइट. So just go create bucket, any name, let's say HPDNCC, this bucket name, and go to next. Okay, isme versioning ka I'm not keeping any point, just next. Configuration ka main kuch nahi kar raha, and next, every permission jahan mein aapko har jagah sirf next next kar do,
फिर उसके अंदर जाके यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम फोल्डर्स जिसको आप चाहो तो आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हो बाई यूजिंग दिस और दिस, अदरवाइज बिना इसके ही करके सेव कर दो. सो दिस इज माई एच पी डी एन सी सी बकेट अंडर दिस, ये कर रहे हैं. ठीक है, ऑल गुड. एंड यहाँ पे जो भी डेटा अपलोड करना है वही वेब पेज पर डालेंगे तो को तो यस हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे ना तो वो होस्ट नहीं होने का मतलब है कि इसमें फिर आपको हर पेज पे जाके होस्टिंग इनेबल करनी पड़ेगी. और वहाँ पे क्या कर दिया आपने, पूरे के पूरे बकेट को ही क्या बना दिया, वेब होस्टिंग एक्टिवेट कर दिया. तो जो भी आपने अंदर डेटा डाला वो ऑटोमेटिक होस्टेड जोन में पहुँच गया. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप नॉर्मल बकेट में जो पेज डालोगे उसमें से हर एक पेज का यूआरएल अलग बनेगा. एंड इन दिस केस इसका यूआरएल कॉमन है. यू गॉट माय पॉइंट नूपुर? तो अगर आप नॉर्मल बकेट में जहाँ वेबसाइट इनेबल नहीं कर रखी वहाँ पे जाके डेटा अपलोड करोगे सो हर एक इंडिविजुअल पेज का यूआरएल अलग सब बनेगा. ठीक है, और उस केस में ऐसा बनेगा. तो ये अपना S3 बकेट के बारे में विद नॉर्मल डेटा एंड विदाउट. सी, इफ यू वांट टू डिलीट सम बकेट मेक श्योर कि अगर आप इसको डिलीट कर रहे हो तो आप इसका नाम ऐसे करके टाइप कर दो, राइट, एंड डिलीट. बकेट यानी अमेज़न की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बाय डिफॉल्ट ये आपसे बकेट की साइज नहीं पूछता. ठीक है, सो इफ यू माउंट दैट बकेट तो यू कैन चेक इट कि लगभग 256 गीगाबाइट या मे बी 300 पेटाबाइट इतने साइज की बकेट दिखाएगा. तो अमेज़न क्या बोलता है, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो आपको साइज के बारे में कभी नहीं पूछता डेटा की. जहाँ पे आप डेटा, एक कॉमन डेटा अप टू 5 टेराबाइट तक अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो बकेट की कोई साइज नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इट्स डायनेमिक इन साइज. तो मुझे जो भी डिलीट करना है तो आई कैन पिक दैट नेम एंड डिलीट दिस. ठीक है, तो आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में डिलीट कर देना, राइट, और अप टू 5 GB पर मंथ ये फ्री है जब तक आपका अकाउंट 1 साल तक का है तब तक. ठीक है, तो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू अबाउट S3 बकेट. कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, टुमारो वी आर गोइंग टू कवर मॉडिफाई कैसे करते हैं, कौन सा डेटा मॉडिफाई. वो तो यूज़र अपने घर से मॉडिफाई करके ऐसे अपलोड करेगा ना. अमेज़न S3 बकेट पे मॉडिफाई करने का क्या मतलब है भाई, बकेट का स्टोरेज से मतलब है जब आप डेटा यहाँ से गए और आपने डाल दिया तो डेटा मॉडिफाई हो गया. अब आपको प्रीवियस का डेटा चाहिए तो आप वर्जन पे एक्सपेंड कर दो उसको. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है, तो आई विल अपलोड दिस वीडियो